सब्जी तोड़ के लाए ये खेतों में। राम राम जी। राम राम। मच्छाड़ कहाँ है? मच्छाड़ बखे आदमी। आपका गांव कौन सा है? बहुत ही दूर है। क्या लेके आ गए आप? सब्जी? अच्छा, सब्जी बेच रहे हो, ठीक है जी, धन्यवाद। आज वैसे दोस्तों हम कई सारे स्थान जाने वाले हैं, एक गांव से होते हुए जा रहे हैं मच्छाड़ नाम से, बखे हाथ ने, यहाँ पर बखा हाथ जो राइट हैंड को, राइट हैंड अपन कहते हैं इस हाथ साइड में, राइट साइड में, तो यहाँ पर बखे हाथ ने ऐसे कुछ बोलते हैं। हिमाचल में है हम लोग, और ये हिमाचल प्रदेश का जिला अभी पूछेंगे, कांगड़ा ही है दूसरा है। राम राम जी। मच्छाड़ क्या चीज है? मच्छाड़ मछलियां हैं। तालाब में क्या? ना ना, ये तालाब तो नहीं है। तो दूसरा ये से पानी में, पानी में मछलियां हैं, मच्छाड़ नाम से है ना। और ये गांव कौन सा है वैसे? मछियाड़ी गांव है। और तहसील? तहसील सापर। सापर जिला कांगड़ा। अच्छा, आप गायों के लिए लेके जा रहे हो? गए बकरी के लिए। बकरी के लिए? पता नहीं किसने, अच्छा किसी ने तोड़ दिया, ये टूट गया ना। यहाँ से काफी शानदार झरना चल रहा है। मुझे मछली दिख गई मच्छाड़ में, ये देखो बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ पे। ओए होए, कितनी बड़ी बड़ी है, अच्छी है। झुंड है मछलियों का, इसीलिए मच्छाड़ है मुझे लग रहा है। मच्छाड़ है। जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो टूट जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। कहाँ पर है मछली? ये मैं देखूं, मछली मर जाएगी। अच्छा, पता क्या शनिवार हो या, अच्छा तब लोग ज्यादा आते हैं क्या? आपका कौन सा काम वैसे? मछियाल है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो कि मछली मच्छाल नाम कैसे पड़ा? मछलियाँ है ना इधर, इसलिए पड़ा। तो ये कहीं से लाए मछलियाँ या यहीं पर पैदा? यहीं से पैदा हुई। जो भी आप मनोकामना आपकी होगी कि हाँ हमारे घर में बच्चा नहीं है तो बच्चा हो, या नौकरी नहीं है, या कुछ भी हो तो पूरी आस होती है। अच्छा, और पूरा गांव भी मच्छाड़ है। हाँ। कितना पुराना है इसका? 100, 200, 400, 500? हाँ इतना है। इतना है, 400 है। पुजारी जी कहाँ गए? पुजारी तो घर में होंगे अभी, तो इस वक्त तो कोई नहीं होगा, पहले तो ताला लगा। मंदिर कौन से भगवान का? ये शिव जी का है, इधर उधर माता का है। माता का मंदिर, वैष्णो माता का। और झरने में मछली है तो मछियाड़ है। ताला नहीं लगा, नहीं तो ताला लगा होता है। अच्छा, ताला लगाया था, लॉकडाउन लगा हुआ था तो ताला लगा हुआ। ये पीपल का पेड़ है, ये इसकी पूजा होती है। हाँ, पूजा होती है इसकी। अच्छा, ये है मछियाड़ है, ये भरता भी है क्या पूरा इस मछियाड़, ये तालाब भरता है, और फिर इसकी सफाई होती है, ये पानी सारा निकाल देते है, फिर इसको भी निकालना सारे को। तो फिर तो मछलियाँ पानी निकालने से मरेगी? नहीं नहीं मरती है, अंदर घुस जाती है मछलियाँ। अच्छा, ये गुफा है, पानी के अंदर भी गुफा है, गहरी गहरी है। गहरी है, बहुत गहरी है। अच्छा, फिर ये पूरा साफ कर देना इसको। अच्छा, ये है। अब ये बारिश से हो गया नहीं? नहाते हैं इसमें कोई? हाँ नहाते हैं, बच्चे यहाँ से ऊपर से छलांग मारते हैं नीचे, इतना नीचे कूदते हैं। हाँ बच्चे, अभी जैसे ज्यादा बारिश आएगी तो भरेगा। हाँ भरेगा, नाक में, मछली के नाक में। हाँ नाक में। तो इनके घर में ना लड़का नहीं था, तो लड़कियां थी, पता नहीं तीन थी, तो उन्होंने सुखन की, इधर से गए और इधर ना आए नीचे, तो फिर सुखन की कि हमारे घर में लड़का पैदा हो। अच्छा, तो उनके घर में लड़का हुआ, उन्होंने फिर कहा कि मछली पकड़ो भाई। अच्छा, तो लड़के तो पकड़ लेते हैं, इधर के तो पकड़ लेते, फिर उसको ना बाल डाला एक उस मछली के नाक में। हाँ नाक में डाला, सोने का। सोने का। अच्छा, पकड़ के पानी के अंदर ही डाल के छोड़ नहीं, दिया? नहीं, निकाला उसको बाहर, मछली को टब लिया छोटा सा। अच्छा, पानी लिया, फिर मछली को रखा उसमें, फिर डाला। अच्छा, फिर उसको छोड़ दिया। एक ही मछली ऐसी है, खूब सारी ऐसे अलग अलग? कोई भी मछली मिल जाए उसको पकड़ लेना है, जिस जब मनोकामना पूरी हो जाए तब ऐसे करते हैं। अच्छा, वो बहुत ज्यादा था, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं होगा ना? कोरोना की वजह से कुछ नहीं, आज तो ताला खुला, नहीं तो ताला लगा होता है, कोई नहीं आ जा सकता। ये तो पुराना है, काफी पुराना लग रहा है ना पीपल। पुराना है। मंदिर नया है ना?
वेरी गुड। ये आम का पेड़ है, यहाँ पे खूब सारे आम गिरे हुए हैं। ये यहाँ पर छोटा सा डैम बना हुआ है जिससे अभी वाटरफॉल हो रहा है, तो ज्यादा पानी आता है शायद इसके भी ऊपर से आता है ना। हाँ, ज्यादा एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाता है। चले अब। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये, यहाँ पर जो झरना बह रहा है ये हमें बहुत अच्छा लगा। एक तरह से गोल गोल इन पहाड़ों के बीच में से अपना खुद का ही रास्ता बना कर गया है, और अब जो हम यहाँ से आगे जाएंगे। ये स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से भी आप यहाँ आ सकते हैं और कांगड़ा से भी आ सकते हैं बाई रोड इस तरह से। यहाँ पर देखिए बांस के जबरदस्त बड़े बड़े वृक्ष ही वृक्ष हैं। ये देखिए वृक्ष नहीं बोलते हैं, घास बोलते हैं। पता नहीं दोस्तों आपने कमेंट करके बताया था किसी ने कि इनको घास बोलते हैं, बांस की घास पता नहीं, ये बहुत ज्यादा है, बांस ही बांस है ऐसे इस तरह से, झुंड के झुंड है हर जगह पर। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है पूरा। जय संतोषी माता। यहाँ आने के बाद पहली बार गाड़ी के हाथ लगाया है पहाड़ों में। धीरे धीरे मतलब ये गांव की सड़कें है, बहुत कम साधन आ रहे हैं, तो चलाना सीख रही हूँ। कुछ दिन तो इतना डर लगता था इनको चलाते देख के ही, अभी थोड़ा कम लगने लग गया। ये छोटी सी नदी है जिसको हम पार कर रहे हैं, नीचे काम भी चल रहा है नदी में, गोल गोल खूब पत्थर भी है। सड़क का नाम जीरबल्ला से तातवाणी। यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर खेतों में फसल धान की लहरा रही है। खेतों में छा रही हरियाली कितना सुंदर है। आज मौसम भी धीरे धीरे बारिश वाला बन रहा है, उमड़ घुमड़ कर घटाएं छा रही है। कितना सुंदर गांव आया है, सुंदर खेत आया ना, सुंदर खेत सुंदर गांव। वो जंगल कहाँ गए? जंगल पीछे ऊंचा सा रह गया, जंगल तो नीचे आ गए हम, और यहाँ के सुंदर सुंदर खेत। वाह, वो देखो झरना नदी कितना जबरदस्त बह रहा है। कहाँ पे? हाँ, इसी नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं हम कब से। सांवरिया गेरे आ नदिया किनारे मारो सांवरिया गेरे आ नदिया किनारे मारो गांव। ये देखिए मनमोहक दृश्य, मनमोहक दृश्य। बादलों की जैसी छांव आई है और ही गजब लग रहा है। चलो खेत में चलते हैं देखते हैं। खेतों में भी ऐसे झरने चल रहे हैं। राम राम जी, क्या काम चल रहा है खेत में? दवाई डाल रहे हो? धान की फसल है? अच्छा, अभी पानी लग रहा है एक, झरने का पानी चलता ही रहता है, दरिया का पानी है। हाँ। पूरे दिन ऐसे चलता है क्या? हाँ, अच्छा। अच्छा। और ये गांव कौन सा है, गांव का नाम क्या है? टटवाणी। धान की खेती, इसमें पैर रख सकते हैं? अच्छा, वो डोली बनाई हुई है। अच्छा, दवाई डाली, वहां से उधर जाऊं मैं? हां, बाल्टी में कितनी
जैसे बारिश आती है ना जबरदस्त जोरदार बारिश आती है तब इस ऊपर वाले से नीचे पानी जाता है, डोली टूटती नहीं है? नहीं नहीं टूटती है, इसको बांधना पड़ता है, वापस बांधना पड़ता है अगर कहीं टूट भी जाए। हाँ, टूट जाए तो। आपका वैसे नाम क्या है अंकल जी? हमारा नाम प्रीतम चंद। प्रीतम चंद जी, टटवाणी गाँव है क्या? टटवाणी। आगे गर्म पानी का चश्मा है। गर्म पानी का चश्मा, नहा सकते हैं उसमें? नहा सकते हैं। और मंदिर भी है शिव जी का? गब्बा गब्बा बढ़िया पटी है, गब्बा गब्बा देना पचास रहा। गब्बा गब्बा मतलब? बीच में जो बड़ा खेत है ना उसमें दवाई न पहुंचे, बीच में वापस आना पड़ता है। अच्छा, दवाई आगे पीछे से ना बीच दवाई में पानी लगाना चाहिए। अच्छा, मिट्टी बहुत चिकनी है, ये फट जाती है नी? हाँ। ये देखो ये फट गई जगह जगह से, इसमें मुगाट है ना। और ये जो पास पास में नदी बह रही है वो कौन सी है, क्या बोलते हैं आप? गज खड्ड। गज खड्ड। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों छोटे जो नदियों के रूप होते हैं, झरने होते हैं, उनको खड्ड बोलते हैं ना, खड्ड। और यहाँ पर जिला कौन सा है वैसे आपका? जिला कांगड़ा। और तहसील? सापर। सापर, सापर तहसील, टटवाणी गांव है ना। ये तो गिरेगी, ये धीरे एकदम धीरे। ये ले हाथ, बेटा आजा। आप इनमें पानी कभी नहीं लगाते, अपने आप ही लगता है क्या? बस बांधना पड़ता है, अपने आप पहाड़ों से आ जाता है ना। अब ये देखो दोस्तों, ऐसे पूरे दिन ऐसे चावल की खेती में झरने चलते रहते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर उन्होंने क्या है, पत्थर लगा दिए, पत्थर तो है ही वैसे जमीन में, बस एक बस हाँ रुख मोड़ना पड़ता है नी। चलो टटवाणी सुंदर, एक और सुंदर दृश्य, जबरदस्त हिमाचल। यहाँ से झरने आ रहे हैं ऊपर से, और ये देखो ये ला 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 तत्वानी इस पे लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं पिकनिक मनाने के लिए, टेंट भी लगा रखे हैं। आप पिकनिक मनाने आए हो क्या यहाँ पे? हाँ। घूमने के लिए? हाँ। कहाँ से? धर्मशाला से। धर्मशाला से रात को यहीं पे ठहरे थे? हाँ। ऐसे ठहर सकते हैं यहाँ पे टेंट? हाँ। लगा खुद का ही है क्या आपका? तिब्बत से कब आए थे? 2006 में। अभी धर्मशाला के अंदर ही रहते हो? अच्छा अच्छा, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप खाना पीना यहीं पे किया आपने? हाँ, हो गया लंच? नहीं अभी नहीं, अभी बना रहे अभी। अच्छा अभी बना रहे हो? हाँ। क्या चीज बनाओगे आज? पनीर। अच्छा अच्छा, ये तो पूरी है। हाँ। पूरी बनाने, पूरी पूरी, पूरी। आप हाँ। पूरी बोलते हो क्या? चावल बनेगा अभी, मटन बनेगा, हम नुमटा खाले बोल रहे। अच्छा, पूरी खाने में बहुत अच्छा है, मोटे आए। अच्छा, पूरी खाने में अच्छी लगती है। अच्छा, आपका तिब्बत का जो मेन फूड है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? आप लोग सत्तू कहते हैं ना? अच्छा, सत्तू कहते हैं वो, उसके बेसन के होते हैं ना? हाँ हाँ, वैसे सत्तू खाते हैं उधर, क्या बोलते हैं? चंबा बोलते हैं, चंपा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो अलग अलग हो सकते हैं आटे। चलिए थैंक यू। ये दोस्तों हम लोग आ गए तत्वाणी। ये गर्म आ रहा है पानी? एकदम गर्म है। अच्छा, चेक कर लें। ये तो गर्म है इतना कि अभी गर्मी में नहा भी नहीं सकते, इतना गर्म है। और बहुत गहरा कितना गए? इतना है। अच्छा, अंदर जा घुस के नहा सकते हैं ऐसे? क्या है, साबुन अलाउ नहीं है क्या? हाँ, महंत शिवगिरी। महंत शिवगिरी मंदिर के
पुजारी पुजारी भी है और मालिक भी है। ये तत्वाणी जो है घोट स्प्रिंग है और ये कितना पुराना और कैसे क्या स्थान? हजारों साल राजाओं के टाइम का पहले का, हजारों साल पुराना है। ये एकदम गर्म पानी, जैसे जबरदस्त सर्दी पड़ती है तब भी ऐसा ही आता है? 12 महीने ही खंडन पर एकदम गर्म। अच्छा 12 महीने, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। और ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, शिव जी का मंदिर है। खूब श्रद्धालु आते हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। ओ साफ़ पानी, कभी तो साफ़ ना पानी साफ़ ना बेटा। पानी देखो, पानी देखो, ऊपर है पानी यार। गर्म ज़्यादा है? इससे अच्छा तो पीछे रहा है, नदी भी ना लगे। हाँ गर्म लग रहा है। एक बार आप अंदर गए थे? तो शेर को 1 2 3 ठंडे पानी के रोड लगाने आता था पानी रुकती। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जगह हमें लगी। जो लोग जो मणिकर्णिका या बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर अगर नहीं जा पाए कांगड़ा जिले में या यहाँ पर कहीं से आकर के जाएं धर्मशाला वगैरह, तो सर्दियों में और इस मौसम में भी तो यहाँ आकर के गर्म पानी के अंदर नहा सकते हैं। ये एक बड़ा तीर्थ स्थल भी है। ये मेरे जो पेट तक आ रहा है, यहाँ तक पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, 4-4.25 फीट तक है और बहुत ही पवित्र स्नान आज लोग हम लोग कर रहे हैं। क्या है, गर्म है? नहीं बहुत गर्म है दोस्तों, एक बार के तो लिए बहुत ज़्यादा गर्म लगा था, अभी गर्म ही लग रहा है, मैं तो गर्म ही नहा रहा हूँ। ता 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 पानी, ता 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 पानी, ता ता। ये गोमुख है, इसके अंदर से जो है वो साल भर इसी तरह से गर्म पानी चलता रहता है। ये प्रकृति का अद्भुत और चमत्कार है, बहुत ही खूबसूरत। और हिमाचल में कई जगह पर इस तरह के हैं, हमने पहली बार ही देखा है ये यहाँ पर आने के बाद में। एक राजस्थान में जरूर देखा था, नहीं एक ही जगह याद है। राजस्थान में कितनी जगह देखा था? ना अलवर के पास में कहीं था शायद, हमने देखा था माता जी का मंदिर था पास में। काफी प्राचीन लग रहा है यहाँ पर, देखिए पुरानी पुरानी मूर्तियां भी रखी हुई है। चले हाँ, ये सहन नहीं होता। और बाहर अब मैं जैसे बाहर निकलूंगा मुझे ठंड ज्यादा लगेगी। अभी दोस्तों स्नान करने के बाद में मंदिर दर्शन करेंगे। मैं जैसे ही इससे बाहर निकल रहा हूँ खुली हवा के संपर्क में आ रहा हूँ, मुझे ठंडा लग रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार और
मैंने तो हाथ पैर और मुंह धो लिया। सिया और सिया के पापा ना के आ गए। ताता ताता पानी अब जो है वो ठंड लग रही है जबरदस्त। हाँ आपका क्या नाम है भैया वैसे? हमारा नाम अमित। अमित पहले भी आ चुके हो क्या आप यहाँ पे? पहले ज्यादा गर्म है, सर्दियों में नॉर्मल रहता है ठंडा लगता है सर्दियों में? नॉर्मल रहता जैसा अभी है वैसा सर्दियों में रहता है। एक ही जैसा रहेगा पानी। अच्छा अच्छा जय शिव शंकर। दान पत्र भी आगे कहीं और नहाएंगे। आज तो हालत खराब होगी ना के। चलो आगे ठंडे में ना लेना नदी है ना। दोस्तों अभी हमें नाशपाती के पेड़ के नीचे और यहाँ पे नीचे जैसे हमारे राजस्थान में बैर पड़े रहते हैं ना वैसे नाशपाती पड़ी है इतनी सारी। ऐसे नाशपाती हमने पहले कभी नहीं देखी पेड़ों की लगी हुई। इतनी सारी पेड़ के लगी हुई नहीं देखी ऐसे तो मार्केट में तो देखी है खाई भी है लेकिन आज पेड़ के लगी हुई देख रहे हैं और तोड़ के खा भी रहे हैं। और कितनी लगी हुई है? कुंटल से तो ज्यादा ही होगी। मीठी मीठी सारी पक्की है या पक्की है? पक्की है पक्की हुई हमारे खाने के लिए तो काफी है। ट्राई करूं ये तो, देसी नाशपाती है। और दोस्तों अभी हम लोग हैं कांगड़ा जिला और गांव तातवानी। तातवानी से निकल रहे हैं, यहाँ के खेत देख रहे हैं और यहाँ के पहाड़ों के कांटे भी अलग है इस टाइप के है। ये हमारी नाशपाती और ये हम। और इस नाशपाती का फेसबुक पे लाइव भी है पूरा तो वो भी आप देखिए। हाँ फेसबुक पे लाइव आए थे अभी। वीडियो तो बाद में बनाया था, पहले खाते खाते लाइव आए थे। अभी हम नाशपति का नाश कर रहे हैं। मम्मी पानी ढूंढ दो सीट पर। कोई बात नहीं बोतल खड़ी कर ले सिया वापस। आज पोपड़ियों की सब्जी बना के लाए हैं। सुबह सुबह जल्दी घर से निकले थे। ये टींडसी को सुखाने के बाद बनते हैं पोपड़िया और इनकी सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये हम वहाँ से लेके आए थे गांव से नहीं ये पोखरण से लाए वैसे। सीधी रोटी खाना। और हम जहाँ पर बैठे हैं पीछे की साइड में वो वहाँ से नदी जा रही है। इस साइड में जंगल है।